स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माया एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। आई होप आपने ये देखा होगा कि जब भी आप मॉल में जाते हैं या किसी भी शॉपिंग के जगह जाते हैं, सपोज कीजिए आप किसी शॉपिंग के जगह पे गए हैं, जब आप वहां गए हैं तो वहां की किसी चीज को आप देखकर उसको पसंद करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए और उसको उठाकर आप खरीदते हैं, तो पता है ये प्रोसेस कैसे होता है। सपोज दैट यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और उसको ये ऑब्जेक्ट पसंद आया है, ठीक है। उसको ये ऑब्जेक्ट क्या है, पसंद आया है, ये कोई समबडी, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसने इस ऑब्जेक्ट को देखा, जब इसने देखा पहले क्या किया, सीन किया इसे देखा, ठीक ना। जब इसने इसे देखा तो देखकर ये जो जिसने इसे देखा, इसे देखने के बाद ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है। कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन तक जाता है। ये हमारे ब्रेन तक जाता है, ठीक है। हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, वो देखा तो फिर वो कहाँ गया, वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक गया और ब्रेन उसके रिस्पेक्ट में हमें ये बोलता है कि अब इसे उठा लो, तुम्हें ये चाहिए, इसे उठा लो। और हम उठा के उसे अपने बैग में रख लेते हैं। आई बात समझ में। अगर हमारे बॉडी में ब्रेन नहीं होता बाबू, अगर हमारे बॉडी में ब्रेन नहीं होता तो हम उस ऑब्जेक्ट को उठाकर अपने बैग में नहीं रख पाते। अब आप कहेंगे अगर हाथ नहीं होता तो नहीं रख पाते ब्रेन नहीं होने पे, तो बाबू वो जो हाथ आप उठा रहे हो ना, वो जब तक ब्रेन आपको नहीं बोलेगा आप नहीं उठा सकते हो। जब तक ब्रेन आपको नहीं बोलेगा आप उस चीज को नहीं उठा सकते हो। इसी चीज को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मतलब ये कंट्रोल का मतलब होता है हमारे पूरे बॉडी को ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि ब्रेन और बॉडी के ऑल पार्ट्स में जो कंट्रोलिनेशन होता है उसी के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अच्छा, आपने बचपन में पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं तो मैं आपको बता दूं, सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं। ये सेंस ऑर्गन होते हैं आईज, ईयर, स्किन, टंग एंड एक्स्ट्रा आपका नोज, ठीक है। आपको पता है इतने सारे सेंस ऑर्गन होते हैं, ये जो है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। अब जो ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इनमें आईज का काम किस लिए हम यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो इसे हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे रिसेप्टर्स ये क्या है, तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिसेप्टर्स, ठीक है। क्या होता है रिसेप्टर्स, ठीक है। देखिए रिसेप्टर्स क्या होता है, रिसेप्टर्स होता है, आपने देखा है कि ह्यूमन बॉडी में जो ह्यूमन्स ऑर्गन्स हैं, ह्यूमन्स ऑर्गन्स में 5 सेंस ऑर्गन्स है। कितने, 5 सेंस ऑर्गन्स है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स आपको पता है, ईयर, आईज, नोज, टंग्स एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। ये जो सेंस ऑर्गन्स है ना, ये सिग्नल को लेते हैं और उसको ब्रेन तक भेजते हैं। तो ये जो सेंस ऑर्गन, ये जो सिग्नल को लेते हैं उसी को हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। अब जो आपका पहला है आईज, आईज क्या करता है, लाइट से रिलेटेड, वो देखने का काम करता है, राइट से रिलेटेड काम करता है, इसीलिए हम इसे फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका ईयर, ईयर से हम क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं, इसीलिए इसे फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। फोनो का मतलब होता है सुनना, इसे फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। फोनो मतलब साउंड से रिलेटेड और फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड, इसीलिए इसे फोटो रिसेप्टर्स, इसे ईयर रिसेप्टर्स। आप रिसेप्टर्स का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जब हम सेंस ऑर्गन्स की मदद से किसी चीज को देखते हैं और वो सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है उसी को हम रिसेप्टर्स बोलेंगे। यही 5 सेंस ऑर्गन्स को हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स मींस ये आप सेंस ऑर्गन। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नोज। अब ये जो नोज है इससे हम स्मेल लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टंग, इससे हम स्मेल लेते हैं, इसीलिए से गस्ट्री रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्किन। स्किन से हम किसी, कौन सा चीज गर्म है, कौन सा चीज ठंडा है, फीलिंग वगैरह, ये आपका, इसीलिए इसको हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं।
इसीलिए हम क्या कहते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए कितने आसानी तरीके से हमने समझा कि रिसेप्टर्स क्या है। रिसेप्टर्स है जो ये सेंस ऑर्गन्स के मदद से हम जो सिग्नल लेते हैं और उसको ब्रेन तक भेजते हैं, तो यही सेंस ऑर्गन्स रिसेप्टर्स कहलाता है। आईज जो कि एक फोटो रिसेप्टर्स है, ये लाइट से रिलेटेड रिसेप्टर्स है। ईयर आपका साउंड से रिलेटेड रिसेप्टर्स है। नोज वो ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल से रिलेटेड रिसेप्टर्स है। और टंग ये आपका क्या है, गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स, ये आपको टेस्ट से रिलेटेड रिसेप्टर्स है। और स्किन जिसे हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे। इस पूरे बुक में, इस पूरे चैप्टर में हमें दो तरह का सिस्टम पढ़ना है। अभी तक हमने चार सिस्टम पढ़ के आए हैं हम अभी तक, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिर आपका ट्रांसपोर्टेटिव सिस्टम और एक्सक्रिएटिव सिस्टम। आज के इस वीडियो में हमको नर्व सिस्टम्स के बारे में जानना है और एक हार्मोन से रिलेटेड सिस्टम के बारे में जानना है, जिसको हम आज इस चैप्टर में जानेंगे। आई बात समझ में, कैसे हार्मोन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। एक अवस्था आने के बाद बहुत सारे चेंज होते हैं हमारे बॉडी में जो कि हार्मोन्स की मदद से होते हैं। ये सब चेंज कैसे होता है, आज के इस वीडियो में हमको यही जानना है। इसी तरह का चेंज होता है आपका नर्व सिस्टम्स में। नर्व सिस्टम्स के थ्रू हम बहुत सारे सिग्नल लेते हैं, पूरे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। जितना भी अभी तक आपने सिस्टम पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेटिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम होते हैं, ये सभी सिस्टम वर्क करते हैं ब्रेन के थ्रू ही। अगर आप नर्व सिस्टम्स को हटा दें तो कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। आपने जितने भी सिस्टम अभी तक पढ़े हैं वो कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा अगर हमारे बॉडी से ब्रेन यानी नर्व सिस्टम्स को हटा दिया जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आइए अपने अगले टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, नर्व सिस्टम्स की तरफ। तो आगे हम देखेंगे नर्व सिस्टम्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते अपना अगला टॉपिक। तो मैंने आपको जो रिसेप्टर्स बताया वो आई होप आप समझ गए। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने क्रिकेट देखा है कभी, हाल ही में देखा है कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी अच्छा मैच खेला है। तो आज उनका बर्थडे भी है, इसलिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे विराट कोहली जी को। तो आज उन्हीं से रिलेटेड एक रिसेप्टर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी सपोज कीजिए विराट कोहली कैच ले रहे हैं फील्ड में, ठीक है, तो जब भी बॉल आते रहता है तो उसको कैच लेते समय फील्डर्स क्या करता है, उस बॉल्स को देखता है कि बॉल्स को, हाँ ये इजी कैच है, मैं इसको पकड़ लूंगा, ठीक है। तो बॉल के रेस्पेक्ट में वो ये जो बॉल्स को देखा, ये रिसेप्टर्स आया आइस के थ्रू, उसने उसे देखा और फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू वो ब्रेन तक गया, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स हुआ यहाँ पे, बॉल्स को फील्डर्स ने देखा, ठीक है, विराट कोहली ने बॉल्स को देखा। अब ये जो बॉल को देखा उसने, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सिग्नल है, ये ब्रेन के पास गया और ब्रेन ने उसके बॉडी को, पूरे बॉडी को इस तरह से कंट्रोल किया कि वो उस बॉल को कैचअप कर ले, ठीक है, यानी उस बॉल्स को वो कैच ले ले, ठीक। उसके ब्रेन ने उसके पूरे बॉडी को, यानी विराट कोहली के ब्रेन ने पूरे बॉडी को यह सिग्नल भेजा कि वो बॉल को आसानी तरीके से कैच कर ले, और पूरा बॉडी उसने उसी तरीके से चलाया और उस बॉल को कैच कर लिया। तो इसी तरीके से आप अनेक एग्जाम्पल देख सकते हो रिसेप्टर्स का। मैं जो बोल रही हूँ, आप जो सुन रहे हैं, ये सब भी रिसेप्टर्स का ही एग्जाम्पल है, ये सब भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही है। लेकिन ये पूरा सिस्टम चला कैसे, आखिर किस किस ऑर्गन्स ने इसमें भाग लिया, आखिर ब्रेन विराट कोहली के कौन से ऑर्गन्स ने इस प्रोसेस को करने में हेल्प किया। तो आइए हम उस बात को देखते हैं अभी कि आखिर कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर विराट कोहली को कैच पकड़ने में हेल्प किए। तो ये जो आपका कंट्रोल होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल में लाते हैं जिस भी ऑर्गन्स के थ्रू, उन ऑर्गन्स में सबसे पहला नाम होता है आपका ब्रेन। क्या? ब्रेन। हमारे कंट्रोल यानी कि नर्व सिस्टम्स में आप देखिए तो ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे मेन ऑर्गन है। इसके बाद हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम आते हैं, इसके नेक्स्ट जो है वो है आपका नर्व्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स नर्व्स, ठीक है। तो इन्हीं सब ऑर्गन्स की मदद से विराट कोहली के पूरे बॉडी ने ऐसा काम किया। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन सब की मदद से कैसे हुआ। सी सपोज डैड, यहां मैं एक ह्यूमन बना लेती हूं, ठीक है।
ठीक है, ये है आपका ब्रेन, ठीक है, ये है क्या ब्रेन, ठीक, यहाँ से जुड़ा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पूरा स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से पूरे बॉडी में आपका बिखरा होता है, पूरे बॉडी में, ऑल बॉडी में इस तरीके से ये बिखरा होता है, आसमान में, इसको हम बोलते हैं नर्व्स, ठीक है, ये क्या है आपका नर्व्स। आई होप आप समझ रहे होंगे ये क्या है, ये पूरा आपका ब्रेन है, ये पूरा क्या है ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये है नर्व्स, ठीक। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि कोई भी रिसेप्टर्स है उसने सिग्नल्स को लिया, ये सिग्नल्स कहाँ जाता है नर्व्स में जाता है। अब देखिए नर्व्स क्या है, ये जो नर्व्स है ये पूरा बना होता है न्यूरॉन का, न्यूरॉन का। अब ये न्यूरॉन क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा किडनी जो है वो नेफ्रॉन का बना है, कैसे नेफ्रॉन, पूरा किडनी जो है नेफ्रॉन के थ्रू ही काम कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से पूरा नर्व्स जो है वो न्यूरॉन के थ्रू काम कर रहा है। न्यूरॉन एक सेल है, ठीक है, न्यूरॉन क्या है एक सेल है, और उसी के थ्रू आपका नर्व सिस्टम काम करता है जो कि पूरे बॉडी में फैला है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूरॉन पे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आइए अभी जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, इसी को हम नर्व्स कहते हैं। अब देखिए ये नर्व्स जो है न्यूरॉन से बना हुआ है, ये क्या है न्यूरॉन स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूरॉन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये न्यूरॉन स्ट्रक्चर। न्यूरॉन का ये जो शेप आपको दिख रहा है, ये वाला शेप, ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसमें भरा होता है लिक्विड, लिक्विड इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन, ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म है जिसे हम बोलते हैं साइटोन, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भरा होता है, और ये डॉट डॉट करके कुछ इस तरीके का आपको दिखने को मिलता है, ठीक। अब इसमें जो ये आपको दिख रहा है जो कि हर सेल में होता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। अब आप कहोगे ये सेल क्या, ये एक सेल है, तो जी हाँ ये एक सेल है, आपको जब भी सेल बोलूं तो इस तरीके के गोल तरीके का कोई सेल याद आता होगा, लेकिन ये भी एक सेल है जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। अब देखिए आपने ये न्यूक्लियस है सेंटर, ठीक, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है बाहर निकला हुआ, इसे हम ड्रेडाइंस कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं ड्रेडाइंस कहते हैं, मैंने क्या कहा इसे साइटोन्स कहते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये क्या है ड्रेडाइंस है। इसका काम क्या होता है, जब भी कोई सिग्नल आता है तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इसे ड्रेडाइंस के मदद से क्या करता है सिग्नल भेजता है, ठीक है, ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को इसे ड्रेडाइंस के थ्रू भेज दिया, क्योंकि ये पूरा पूरे बॉडी में बिखरा है ना, तो यहाँ तक ब्रेन तक बहुत सारा न्यूरॉन होगा, तो वो एक एक करके क्या कर रहा है उसको सिग्नल भेज रहा है, ठीक है, तो ड्रेडाइंस के थ्रू ही हम सिग्नल को लेते हैं, ठीक है। अब जो आपको ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसे हम एक्सॉन बोलते हैं, आई बात समझ में। अब देखिए मैं एक बात कहूंगी, इस पूरे न्यूरॉन को तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया गया, तो ये जो आपका अपर मोस्ट दिख रहा है, ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है उसे हम एक्सॉन कहते हैं, और इसे हम नर्व्स एंडिंग कहते हैं, ठीक है, ये क्या है नर्व्स एंडिंग है। ये तीन भाग में आपने इसे बांट दिया, क्या क्या मैंने कहा, मैंने कहा सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व्स एंडिंग, ठीक है, इन तीन भाग में इसे कैरेक्टराइज किया गया है। अब आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने क्या कहा ड्रेडाइंस क्या करती है सिग्नल्स को लेती है। अब देखिए ये जो सिग्नल्स इसने लिया, अब एक्सॉन में आएगा, ये आपका एक्सॉन है, ठीक, ये आपका क्या है एक्सॉन है। अब एक्सॉन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, एक
लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है उसे हम एसिटाइलकोलीन कहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो ये जो एक्सॉन है इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम एसिटाइलकोलीन कहते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब इतना आपको पता चल गया कि इसे हम एक्सॉन कहते हैं, इसमें जो द्रव भरा होता है उसे एसिटाइलोन कहते हैं। ये सिग्नल को भेजने में बहुत ही सहायक होती है और बहुत जल्दी सिग्नल्स को भेजती है। ठीक, अब देखिए, ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं माइलिन। क्या बोलते हैं इसे? हम माइलिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माइलिन। और ये एक झिल्ली से घिरा होता है, इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरोलेमा। आई बात समझ में? ये माइलिन है और इसे बोलते हैं न्यूरोलेमा। उसके बाद ये दो जो माइलिन है, इन दोनों के बीच जो गैप होता है, इस गैप को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ये जितना अधिक होता है उतना जल्दी आपका सिग्नल जाता है। आई बात समझ में? तो कभी भी ये जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा आपको, कभी हटा ही हुआ दिखेगा। और कहीं जुड़ा हो तो हो सकता है कहीं जुड़ा हो, लेकिन ज्यादा हटा हुआ दिखेगा, जिसे हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब ये क्या होता है? एंडिंग पॉइंट है ये वाला पोर्शन आपका, इसे हम नर्व्स एंड कहते हैं। और जहां पर ये एंड होता है इसे सिनेप्टिक स्नोप कहते हैं। ठीक, अब इसे सिनेप्टिक ग्रोथ कहते हैं। ये जो न्यूरॉन है, ये जाके एक न्यूरॉन से पूरा कहानी नहीं बनता है। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया, एक ही न्यूरॉन से पूरी कहानी नहीं बनती, पूरे बॉडी में एक ही न्यूरॉन नहीं है। ये न्यूरॉन क्या है? बिखरा हुआ है, पूरा नर्व सिस्टम सीसी से डेवलप्ड है। तो ये पूरे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में है, जो कि सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो आपका जो ये एक न्यूरॉन खत्म होता है, जब वहीं से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। सपोज जैसे यहां मैं दूसरा न्यूरॉन बना रही हूं, इसके ग्लूटाइन्स को मैंने इसके साथ जोड़ लिया और यहां सब निकाल लीजिए, ये गया होगा इस तरीके से इसका। ठीक है, सपोज कर लीजिए। ठीक है, अब ये इसका जुड़ा। ठीक है, तो जहां पे ये जुड़ा, ठीक है, दो इंच पॉइंट जहां पे ये जुड़ा, ये तो मैंने आपको बताया एंडिंग पॉइंट, सिनेप्टिक स्नोप्स कहते हैं। तो इसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या मैंने बताते हैं? सिनेप्स। ठीक है, जहां ये जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। आई बात समझ में? तो एक ग्रेडाइन दूसरे ग्रेडाइन को जहां सिग्नल पास करता है, जहां ये जुड़ता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। आई बात समझ में? ये क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। अब देखिए ये कैसे जुड़ता है। सपोज दैट ये कोई मस्कुलर पार्ट है और इस पर ग्रेडाइन के इस तरीके से एंडिंग पॉइंट आ गए। ठीक है, आई बात समझ में? एंडिंग पॉइंट आ गए मस्कुलर ट्रैप से। ठीक है, और यहां से फिर दूसरा ग्रेडाइन जुड़ा हुआ है, ऐसे दूसरा ड्रेन जुड़ा हुआ। ठीक है, फिर दूसरा ड्रेन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला न्यूरॉन हो गया, ये सेकंड वाला न्यूरॉन हो गया। ठीक है, अब इससे क्या है? सिग्नल आया। ठीक है, इससे सिग्नल आया। अब ये सिग्नल यहाँ आता है, तो यहाँ पे ये जो मस्कुलर ट्रैप्स है ये इसको लेता है, ये जो मस्कुलर है, ये मसल्स है, ये इसको लेता है। ठीक है, ये क्या करता है? इसको लेता है। तो किस फॉर्म में लेता है? ये केमिकल फॉर्म में लेता है। क्या फॉर्म में लेता है? केमिकल फॉर्म में लेता है। ठीक है, अब ये यहाँ से सिग्नल को केमिकल फॉर्म में लेता है। समझ में आई बात? तो ये जो जगह है यहाँ, जहाँ पे ये इसको देता है केमिकल फॉर्म में, इसे हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसे क्या कहते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, यहीं से ये क्या करता है? सिग्नल को लिया और फिर इस अगले न्यूरॉन में भेज दिया। इतना समझ में आया? अब देखिए कि जो प्रोसेस हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे में, अब आप सोचेंगे कि ये जो सिग्नल है जो ये पास हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सन है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सन मतलब है इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि मैंने आपको बताया, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है तो वो केमिकल फॉर्म में भेजता है, लेकिन जब यहाँ केमिकल फॉर्म में आया तो यहाँ से सिग्नल जो यहाँ तक जाता है वो आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सन्स कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है। आई होप आप इस क्लास में न्यूरॉन के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे आगे के स्टोरी के बारे में, आगे पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूले। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ